हेलो गाइज स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल्स में आपको जेके सेट और एल सेट के लिए कैसे अप्लाई करना है जैसे आपको पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस बार जो जेके सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है जो मैंने ऑलरेडी उसके बेनिफिट्स डिटेल्स वगैरह पूरी जो डिस्कस की थी डिटेल्स वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो बाकी आपको वीडियो का लिंक जो मेरा ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो तो आज की कम्प्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है आपको सबसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना होगा जम्मू यूनिवर्सिटी ए सी डॉट इन या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जे यू जे के सेट डॉट इन पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो जैसे आप जम्मू यूनिवर्सिटी ए सी डॉट इन हो पे हो वहाँ पर आपको एक लिंक मिले मिलेगा जे एल ए सैट एंड जे के सेट का वहाँ पर तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई भी क्लिक करना है होटो अप्लाई वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डायरेक्ट अप्लाई करने का देन यहाँ पर आप रीडायरेक्ट होंगे यहाँ पे इस वाले पेज पर पे, ठीक है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाला पेज आपको यहाँ पे जो वहाँ पर शो होगा उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है अच्छे से उसके बाद आपको जो है आप वो फॉर्म फिल करना है नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हे टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आपको अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है देन आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ एक आपको ऑप्शन मिल रहा है यस तो यस पे आपको क्लिक करना है जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आप सीधा डायरेक्ट रीडायरेक्ट होंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज तो पे तो यहाँ पे यहाँ पे आपको ऑप्शन आप आपको देखने को मिल रहा होगा जो आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी जो फी को पे करना है और फ़ी कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्टर यू सेल्फ करना है उसके बाद आपको अपना अपलिकेशन फॉर्म फिल करना है देन अपलिकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डुप्लीकेट पेमेंट रिसिप्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हो उसके बाद यहाँ पे नो यूर अपलीकेशन नंबर आप अपने अपलीकेशन नंबर भूल चुके हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो अपलीकेशन नंबर भी यहाँ पर जो फाइंड कर सकते हो ठीक है सबसे पहले आपको क्लिक टू पे करने के बाद जैसे आप क्लिक टू पे करोगे नेक्स्ट आपको ये वाली विंडो ओपन होगी वहां पे आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है फादर नेम लिखना है मदर नेम लिखना है देन यहां पे आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है जो आपकी कैटेगरी एस सी एस टी ओ बी सी जर्नल जो भी है आपकी जो फिजिकली हैंडी कैप स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फिजिकली हैंडी कैप की कैटेगरी भी चूज करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फ्राम वेयर यू बिलोंग्स आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो यहाँ पे यू टी ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर क्लिक करेंगे यू टी ऑफ लद्दाख एंड जो

तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जहाँ वो चूज करेंगे जो लद्दाख वाले हैं लद्दाख पे क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का ठीक है तो यहाँ पे आपको उस पर सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट ये वाले विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है यहाँ पे रिडरेक्ट होंगे जब आप जहाँ वो पेमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपकी पेमेंट होगी देन आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा ठीक है अगर किसी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करवाना हो वह कॉन्टैक्ट भी कर सकता है सेवन जीरो फाइव वन थ्री एट सिक्स जीरो वन नाइन पे ठीक है तो ये वाली डिटेल्स आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी यहाँ पे आपका नाम पूरा कैटेगरी और यहाँ पे ये यह वाली पूरी डिटेल्स उसके बाद यहाँ पे क्लिक फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है पेमेंट पे क्लिक करोगे आप सीधा रीडायरेक्ट होंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो एप्लीकेशन सॉरी ऑफिस रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे एक रिसीव होगा उसके बाद पे नाओ पे आपको क्लिक करना है पे नाओ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर आप ई इंटरनेट बैंकिंग से अपना फॉर्म जो फिल कर सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना है एक्सपायरेशन डेटा आपको कार्ड की डिटेल पूरी डालनी है देन आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है ठीक है मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो है वो उसके बाद ओ आएगा ओ डाल के आपको यहाँ पे जो है वो मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको सीधा जहाँ पे आप अगर आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है देन आपको ये वाली रिसिप्ट रिसीव होगी जैसे आपको ये वाली रिसिप्ट होगी यहाँ पे आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर जो है हाँ वो संभाल के रखना है जो आपको बाद में जो है हाँ वो काम आएगा जब भी आप जो फॉर्म दोबारा से लॉगिन करोगे तब आपको जो है वो पूरा फॉर्म का जो प्रोसेस होगा आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपकी एग्जाम तक आपको जो पेमेंट रेफरेंस नंबर जो है हाँ वो संभाल के रखना है ये आपको काम आने वाला है ठीक है फ्यूचर में भी देन यहाँ पे ये यह वाली आपको रिसिप्ट मिल जाएगी जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रिंट भी कर सकते हो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका इस पेमेंट रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है ठीक है यहाँ पे डेट्स वगैरह सब मैंशन होगी ठीक उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो आपको होम पेज भी जाना है डायरेक्ट होम पेज भी जा आपके नेक्स्ट आपको रजिस्टर यू आर सेल्फ रजिस्टर यू एर सेल्फ पर जैसे क्लिक करोगे आपको तो इस टाइप का यहाँ पे पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर जैसे मैंने आपको बोला संभाल के रखना तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आपको लगाना है जो आपको पेमेंट जब आपकी जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुई उसके बाद जो आपको यहाँ पे अपना वो वाला रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है उसके बाद आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने पेमेंट करते टाइम यहाँ पे डाला था वो वाला नंबर आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई भी करना है ठीक है वेरीफाई फी पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे ये यह वाले विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपका कैंडिडेट्स का नेम ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा फादर नेम यहाँ पे होगा देन आपको मदर नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा जेंडर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होगा ई मेल आपको यहाँ पर फिल करनी है एड्रेस अपना फिल करना है अपना सिटी एंड टाउन आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ आपकी कौन सी वो लिखोगे पिन कोड लिखोगे देन यहाँ पे आपको फोटो अपना अपलोड करना है और सिग्नेचर लेस देन फिफ्टी के बी का यहाँ पे आना चाहिए ठीक है जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे चूज करके फाइल अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है आपको ठीक है तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर जो आप शो हो जाएगा देन यहाँ पे आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट होंगे आपने यहाँ पे जो आप लोग अपलिकेशन नंबर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आपका अपलिकेशन जो है यहाँ पे फिल हो जाएगी देन यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे शो होगा ठीक है ये वाला पूरा आपका अपलीकेशन फॉर्म देन आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप का आइडेंटिटी टाइप का यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे या फिर और जो भी है हाँ आप यहाँ पे चूज कर सकते हो ठीक है अगर आपका परमानेंट एंड जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है दोनों तो यहाँ पे आपको यस करना है देन नो करना है आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आप चूज कर सकते हो जो भी आपके पास है आधार कार्ड है पैन कार्ड है ठीक है और कोई अदर यहाँ पे आपके पास आई प्रूफ है गवर्नमेंट आई प्रूफ उसका यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको देन उसका नंबर यहाँ पे नीचे लिखना है देन यहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना है बॉटनी जोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे आप सेंटर चूज करोगे सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे स्टेटस बताना है कि आप यहाँ पे पास हो क्या यहाँ पे आप अपीयरिंग हो अगर आप यहाँ पे अपीयरिंग हो तो देन यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे पास किया देन आपको मार्क्स और आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम इंस्टीट्यूशन नेम और सेशन यहाँ पे और कोर्स आपने कौन सा किया यहाँ पे एमए किया एमएससी वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दोबारा से बताना पड़ेगा जैसे आप यहाँ पे ऊपर चूज करोगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है क्या आपके पास जो डोमोसाइल है या फिर परमानेंट यहाँ पीआरसी जिसको स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं वो आपके पास है तो अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है सबमिट पर क्लिक करोगे देन आपका फॉर्म जो है हाँ फाइनली सबमिट हो जाएगा यहाँ पे आपको लास्ट में जो मैसेज आएगा यू आर अप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है आपने अपलिकेशन फॉर्म्स को देन यहाँ पे ये वाला पूरा प्रोसेस रहेगा आपका फॉर्म्स फिल करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना फॉर्म जो है पूरा फिल कर पाओगे ठीक है ये दी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बतानी थी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म आपको कैसे फिल करना है जेके सेट का या फिर एल ए सेट दो का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें थैंक यू Guys thank you for watching this video